विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सवाल उठाया है कि दक्षिण कश्मीर में 2012 के बाद ही आतंकी गतिविधियां क्यों बढ़ी। विदेश राज्य मंत्री का मानना है कि 2005 से 2012 के दौरान ये क्षेत्र बेहद शांत था। इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर 2012 के बाद ही आतंकी गतिविधियों में क्यों इजाफा हुआ। वीके सिंह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एक साझा सरकार बनी थी, एक पार्टी की घाटी में पैठ थी तो दूसरी को जम्मू में समर्थन हासिल था। पीडीपी की तरफ इशारा करते हुए सेना के पूर्व जनरल ने कहा कि उसकी नीतियों की विवेचना होनी चाहिए, कहीं इनकी वजह से तो आतंकवाद नहीं बढ़ा। पुलवामा हमले पर बोलते हुए विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पुलवामा हमले का जवाब जल्दबाजी में देना गलत होगा। वो नहीं जानते कि सरकार और सेना इसके लिए क्या तैयारी कर रही है, लेकिन इस मामले में रणनीति ठंडे दिमाग से तैयार करनी होगी। फिलहाल सभी सुरक्षा बलों को एकजुट होकर समर्थन दें। वीके सिंह ने कहा कि अमेरिका को पता था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन उसे मारने की रणनीति एक दिन में तैयार नहीं हुई। अमेरिका ने भी ठंडे दिमाग से रणनीति बनाकर लादेन को मारा। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद भारत अपने पड़ोसी देश को अलग थलग रखने में कामयाब रहा है। मुंबई हमलों के बाद जितने देशों ने भारत का समर्थन किया था अब उनकी संख्या ज्यादा है। पुलवामा के बाद 40 से ज्यादा देशों ने पाक के खिलाफ चेतावनी जारी की है। मोदी सरकार की रणनीति पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करने की है। पाकिस्तान के राजनयिक अपना काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APM।